और इसको संभालना यहाँ पे मुश्किल हो गया। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजू कुशन ब्लॉग में। तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत दिन के 1 बजे से कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको अपने ब्लॉग में ये दिखाऊंगा कि हम मधुमक्खी का शहद निकालने वाले और मधुमक्खी का शहद कहाँ से निकालेंगे। तो आज मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहे और मैं आपको मधुमक्खी का शहद निकालने का पूरी वीडियो बताऊँगा कि किस तरह से निकालते हैं हम। दोस्तों मैं अपने रूम में पहुँच चुका हूँ और जो कि हमारे नीचे वाली रूम है और ये बाहर वाला हमारे घर का। तो आप भी देख सकते हैं इस दीवार के अंदर से हम शहद निकालेंगे भी और यहाँ मधुमक्खी इस दीवार के अंदर, और जो आपको यहाँ पे दीवार पे अलग से दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर है मधुमक्खी और ये लकड़ी का फट्टा लगा रखा है यहाँ पे और बाहर से चिकनी मिट्टी का लिपाई की हुई है। तो आपको दिखाते हैं कि मधुमक्खी कहाँ से अंदर आते हैं। तो दोस्तों मैं अपने घर के बाहर आ चुका हूँ और आपको यहाँ पर दीवार पर एक छेद सा दिखाई दे रहा होगा और इसी छेद से मधुमक्खियाँ अंदर जा रही है, जो कि मैंने आपको अंदर कमरे में बताया था कि जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती है और इस दीवार के अंदर पूरा खोखला सा है और यहाँ पे ये शहद बनाते हैं और ये मधुमक्खियाँ अपनी आवाज आती है यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये मधुमक्खी और बिल्कुल पास जाके देखते हैं इनके छेद को और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे अंदर बाहर आ रही है मधुमक्खियाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहाड़ के नज़ारे बहुत ही हसीन लग रहे, बहुत ही प्यारे लग रहे पहाड़, और पहाड़ बहुत ही साफ दिखाई दे रहे हैं। और कल तक तो पूरा धुंध सा लगा हुआ था जिसकी वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा था, और कल बारिश आई थी थोड़ी बहुत तो इसके कारण बहुत धुंध हट चुकी है। और आप देख सकते पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही शानदार लग रहे हैं। तो दोस्तों शहद निकालने के लिए हमें चिकनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है सबसे पहले। तो इस बर्तन में हम चिकनी मिट्टी को भिगोएंगे और जो कि हम लेके आए, और चिकनी मिट्टी हमारे यहाँ दीवारों पे लिपाई करने के लिए काम आते हैं। तो दोस्तों हम इस बर्तन में मिट्टी निकालेंगे इकट्ठे से और यहाँ पे मिट्टी निकालेंगे। देखिए चिकनी मिट्टी इस तरह से होता है और बहुत कठोर होता है, तो इसे पानी से भिगोना पड़ेगा पहले ताकि मुलायम हो सके और तब इससे लिपाई कर सके। दोस्तों इसे पानी से भिगो देंगे इस मिट्टी का। तो हमने चिकनी मिट्टी में पानी रख दिया है और अभी भीग जाएगा और इसके बाद ये मुलायम हो जाएगा। तो आपके ये मिट्टी के ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये मुलायम हो जाएंगे इसके बाद पानी में भिगाने के बाद। तो मधुमक्खी का शहद निकालने के लिए ये सामग्री चाहिए हमें, और ये सूती का कपड़ा है जिस पर हम धुआं लगाएंगे, और ये पानी, और यहाँ पर ब्रश रखवाए जिनसे हम मधुमक्खियों को अलग करेंगे इनके शहद से। तो यहाँ सूती के कपड़े भी आ लगा रहे हैं अभी, और जैसे धुआं होगा और यहाँ पे ये छेद करेंगे पहले छोटा सा, फिर यहाँ से धुआं अंदर डालेंगे, फिर मधुमक्खियाँ बाहर निकल जाएगी। और देखिए यहाँ पे धीरे धीरे से इसको खोलेंगे अब, और देखिए यहाँ पे अब छेद करेंगे छोटा सा। और ये फट्टा निकल चुका है, और ये फट्टा लकड़ी का फट्टा लगा रखा है यहाँ पे। और अब अंदर धुआं जा रहा है और यहाँ मधुमक्खी के शोर होने लगे अब। और इसका ढक्कन खुल चुका है और आप अंदर देख सकते हैं, और यहाँ बहुत सारी मधुमक्खी है और आगे शहद देख सकते हैं, ये मधुमक्खी का शहद है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे इसमें कितना सारा शहद है इस वाले टुकड़े में, और मधुमक्खियाँ भी घूम रही इधर उधर, और यहाँ पे मेरे पापा भी शहद खा रहे हैं। और कैसा हो रहा है? मीठा स्वादिष्ट। तो आपको दिखाते हैं कि शहद के ये कैसे निकालते हैं। और ये दरांती लिखी हुई एक चाकू, और ये एक करते है, तो इसे ऐसे काटते ऊपर से। और देखिए कितने सारे मधुमक्खियाँ इस पे, और शहद कैसा टपक रहा है नीचे आप देख सकते हैं। तो आपको आप बाहर दिखाते हैं कि मधुमक्खियाँ बाहर कितनी आई अभी। और देख सकते हैं यहाँ पे मधुमक्खियाँ बाहर आने लग गई, और अभी तो इनका यहाँ पे बहुत बड़ा ढेर लगेगा, और जब शहद निकल जाएगा फिर इसके बाद फिर से अंदर चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं भी खाता हूँ यहाँ पे मधुमक्खी का शहद, और ये छोटा सा टुकड़ा लेके आ देता हूँ मैं भी, और मधुमक्खी भी चिपक रखी इस पर। तो इसको पहले इधर हटा देते हैं और इसके बाद टोटे से,
और अब मधुमक्खी का शहद खाएंगे हम। तो दोस्तों अब मधुमक्खी का शहद खाते हैं और देखिए कितना सारा शहद इसमें। और आप खाना आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो दोस्तों मैंने शहद निकाल दिया जितना निकालना था और शहद यहाँ कम ही निकला क्योंकि मधुमक्खियों ने खा लिया था उसे। तो इसको आप बंद करते हैं और ये लकड़ी का फट्टा और लगा देते इस पर, फिर 3 महीने के बाद और निकालेंगे यहाँ से शहद। दोस्तों यहाँ पे फट्टा लगा दिया हमने और जब तक ये फट्टा लगता है तो मैं मिट्टी को लेके आता हूँ जो मैंने भिगोने के लिए रखा हुआ था। तो दोस्तों इसकी लिपाई करने लग गया और अब इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे लिपाई कर दिए आप देख सकते हैं और पूरा बंद कर दिया है और पता भी नहीं लगेगा यहाँ तो कुछ देर बाद कि यहाँ से हमने शहद निकाला था। और जब ये सूख जाएगा और यहाँ पे सफाई करेंगे भी, ये पुरानी मिट्टी है उसे आप साफ करेंगे हम। तो दोस्तों इतना शहद निकला हमारा और आप देख सकते हैं कितना सारा शहद है। तो आपको भी चाहिए हो तो कमेंट में बता देना मुझे। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी के साथ मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।